दोस्तों, स्नेफ्रो पिरामिड के आर्किटेक्ट्स ने पहले ये प्लान बनाया कि पिरामिड के स्लोप को 55 डिग्री पर बनाया जाए। शुरुआत में तो सब कुछ सही रहा, लेकिन पिरामिड के आधे बनते बनते पिरामिड के इंटरनल चैम्बर्स में दरारें दिखाई देने लगी। अब मजबूरी में पिरामिड को टूटकर ढह जाने से बचाने के लिए स्लोप के एंगल को 55 डिग्री से 43 डिग्री पर कर दिया गया। इससे पिरामिड की हाइट 100 फीट भले ही कम हो गई हो, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि पिरामिड का वेट 400,000 टन कम हो गया। ये सॉल्यूशन इतना कामयाब रहा कि ये पिरामिड आज भी स्टेबल बना हुआ है।